वालेकुम अभी हम मैकेनिक्स का चैप्टर सेवन जो है काइनेमेटिक्स वो स्टार्ट कर रहे हैं बी एस सी का द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मोइंग अलॉन्ग एन एलिप्स इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कॉस्ट टी आई प्लस बी टी जे वेयर ए इज ग्रेटर देन बी फाइंड द पोजिशन ऑफ पार्टिकल वेयर वेलोसिटी हैज़ मैक्सिमम आर मिनिमम मैग्नीट्यूड हमने क्या करना है हमें एक पोजीशन आप पार्टिकल दिया हुआ है जो कि एक एलिप्स पे मूव कर रहा है जिसमें ए ग्रेटर देन बी हो तो हमने फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल हमने पार्टिकल की वो वाली पोजीशन मालूम करनी है जिस पे इसकी विलास्टिक की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम या मिनिमम हो हमें आर दिया हुआ है आर जो है डिसप्लेसमेंट हमें विलास्टिक का पता है कि वाट इज़ विलास्टी विलास्टी चेंज इन आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर वेक्टर इज़ इक्वल टू ए कॉस टी आई प्लस बी साइन टी जे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डरेवेटिव ऑफ कास इज साइन माइनस ए साइन टी आई और डरेवेटिव ऑफ साइन इज कॉस बी कॉस टी जे विद रिस्पेक्ट टू टी हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया साइन की डेरिवेटिव कॉस कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन अब हम क्या करेंगे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ विलासिटी इज इक्वल टू इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा ए साइन टी का स्क्वायर बी कॉस टी का स्क्वायर का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर जब हम इसमें लगाएंगे तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर साइन स्क्र टी बी का स्क्वायर का स्क्वायर टी का स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर टी जो है वो हमें पता है कि वन माइनस का स्क्वायर टी की इक्वल है साइन स्क्वायर टीटा वन माइनस का स्क्वायर टीटा के इक्वल है तो यहाँ से वो वाली वैल्यू हम इसमें लगा लगाए वन माइनस का स्क्वायर टी प्लस बी cos स्क्वेयर टी इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ ए स्क्वेयर अच्छा इन दोनों में ये cos square t कॉमन है cos square t इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा बल्कि मैं कर भी लेता हूँ का स्क्वेयर और ये आ जाएगा एक स्क्वायर का स्क्वेयर हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया अब हम इसमें cos square t कॉमन निकालेंगे का स्क्वायर टी जब कॉमन निकालेंगे यहां पे आएगा बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर या अगर हम इसमें माइनस भी बाहर निकाल दें तो इसकी तरतीब कुछ सही बन जाएगी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन अब कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है अब डिपेंड ये करता है इस वैल्यू पे टी पे का जो है किस चीज़ पे मैक्सिमम और मिनिमम होता है हम इसको मिनिमम रखते हैं चाहिए मैग्नीट्यूड है वी वेल बी मिनिमम इफ़ दिस इज इक्वल टू वन इसको अगर हम वन कर दें तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है मिनिमम आ रही है मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं काज स्क्वायर टी को वन रखते हैं इसकी जगह पे हम वन रखेंगे तो ये मिनिमम आएगी अब हम अगर स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों साइडों का लें तो ये बन जाएगा कास टी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन अब कास टी जो है वो प्लस वन है और कास्ट टी जो है वो माइनस वन है अगर कास्ट को मैं उधर ले जाऊँ टी इज इक्वल टू काज इनवर्स वन और ये टी इज इक्वल टू काज इनवर्स माइनस वन काज इनवर्स वन हमें पता है कि किस चीज़ पे आ रहा है ज़ीरो पे और इसी तरह काज इनवर्स माइनस वन वो हमारे पास पाई पे आ रहा है तो जीरो व पाई जो है वो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगे अब उस अब ये वाली ये हमारे पास वो वाली वैल्यू है जिस पे मैग्नीट्यूड ऑफ बिलासटी जो है वो मिनिमम आ रही है अब हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं मिनिमम के लिए जब हम इसमें पुट करेंगे हमारे पास आर क्या आ जाएगा पहले हम टी क्या पुट करते हैं जीरो पुट कर देते हैं। आर हमारे पास आ जाएगा ए कॉस जीरो बी साइन जीरो इधर आ ही आ रहा है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए और अगर हम टी को पाई पुट कर दें, ये आ जाएगा आर मैग्नीट्यूड आई e भी आ रहा है ए कॉस पाई आई प्लस बी साइन पाई जे साइन पाई पे जीरो है कॉस पाई पे हमारे पास माइनस वन है तो ये आ जाएगा माइनस ए आई यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यूज है वो हमारे पास प्लस माइनस मिनिमम वैल्यूज प्लस माइनस ए है और अब हम क्या करते है? इसकी कर हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू मालूम कर देते हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैग्नीट्यूड को क्या होना चाहिए कास्टी को ज़ीरो होना चाहिए अब कास को मैं उधर ले जाता हूँ कास स्क्वायर टी को ये हमारे पास क्या आ जाएगा बल्कि स्क्वायरिंग में ले लेता हूँ कास टी इज इक्वल टू ज़ीरो अब टी की हमारे पास यहाँ पे फिर दो वैल्यूज कास्टी ज़ीरो अब ज़ीरो जो है वो हमारे पास हमें पता है कि पाई बाई टू पर वी का जो है वो ज़ीरो आ रहा है इसी तरह थ्री पाई बाई टू पे भी हमारे पास काज जो है वो ज़ीरो आता है तो टी की वैल्यू दो हो सकती है एक पाई बाई टू एक थ्री पाई बाई टू अब हम क्या करते हैं <coughs> इसको इस आर में पुट कर देते हैं क्योंकि हमने मालूम ही ये करना है हमने मालूम क्या करना है द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग गिवन हमने फाइंड द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल यानी ये वाली पोजिशन हमने फाइंड करनी है जिस पर विलासटी जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम हो मिनिमम के लिए तो हमने मालूम कर ली अब मैक्सिमम के लिए हम इसको मालूम करते हैं पोजिशन को तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा ए कॉस पाई बाई टू आई प्लस बी साइन पाई बाई टू जे अच्छा ये टी इक्वल टू फाइव बाई टू के लिए हम, हाँ, हम कर रहे हैं तो आर हमारे पास कास फाइव बाई टू ज़ीरो है तो ये आ जाएगा बी साइन फाइव बाई टू हमारे पास क्या है हमें पता है वन है तो बी जे आ जाएगा अगर हम टी को थ्री फाइव बाई टू रख लें तो आर वेक्टर हमारे पास आ जाएगा ए कॉस थ्री फाइव बाई टू आई बी साइन थ्री फाइव बाई टू जे अब खास थ्री फाइव बाई टू पे भी जीरो है हमें पता है आर हमारे पास आ जाएगा बी साइन थ्री फाइव बाई टू पे माइनस वन है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्लस माइनस बी जे आ रही है और मिनिमम वैल्यू इसकी आ रही है प्लस माइनस ए आई क्वेश्चन नंबर थ्री अपार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड अच्छा इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है अलॉन्ग द कर्व हमें ये दिया हुआ शो दैट इट्स एक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इसकी ये आ रही यानी एक पार्टिकल है जो इस कर्व पे मूव कर रहा है हमने क्या शो करना है इसकी एक्सेरेशन जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें हमारे पास ये आनी चाहिए अब सोलूशन की तरफ हम आते हैं uh, हमें पता है कि एक्सेरेशन जो है इसका टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट डी वी और डी टी और नॉर्मल कंपोनेंट इसका आता है वी का स्क्वायर रो विद एन अब वी हमारे पास चूंकि कांस्टेंट है इसके अगर हम डेरिवेटिव लें तो ये जीरो आ जाएगी यानी एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू वी का स्क्वायर रो विद एन यूनिट वेक्टर अब गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है एक्स का स्क्वायर वाई इज इक्वल टू इसको मैं अप्लाई कर देता हूं ये आ जाएगा ए एक्स का माइनस ए का क्यूब ओवर फाइव का स्क्वायर रूट अब इसको मैं इधर लाता हूं ये प्लस है इसको जब मैं इधर लाऊंगा ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर स्क्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का क्यूब ओवर का स्क्वायर रूट। इन दोनों में मैं एक्स का स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ वाई माइनस ए इज इक्वल टू ए का क्यू ओवर फाइव का स्क्वायर रूट अब ये एक्स का स्क्वायर मैं उधर ले जाता हूँ ये हमारे पास क्या आ जाएगा वाई माइनस ए ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा अब हम इसको डिफ्रेंशियट करते हैं डिफ्रेंशिएट जब y को करेंगे ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट की डरेवेटिव जीरोस की टू को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आ, इसको हम ऊपर ले आएंगे इसकी पावर जो है वो माइनस टू बन जाएगी बल्कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स की पावर माइनस टू पावर को नीचे उतारेंगे पावर में से एक कम कर देंगे डिवाइडेड बाय फाइव का स्क्वायर रूट ये डी वाई और डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी फिर उसके बाद हम डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते पावर को नीचे उतारेंगे पावर में से एक कम कर देंगे ये आ जाएगा नीचे जब ये आ जाएगा माइनस टू माइनस थ्री मल्टीप्लाई होंगे प्लस सिक्स आ जाएगा और ये एक्स की पावर माइनस फोर ए की थ्री डिवाइडेड बाय फाइव का स्क्वायर रूट अच्छा डी का स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स ए का क्यूब अच्छा ये एक्स की फोर को मैं नीचे जब लाऊंगा तो इसकी पावर जो है वो प्लस एक्स की फोर बन जाएगी ये हमारे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर और यह डी वाई ओवर डी एक्स हमें यह वैल्यूज़ रो को फाइंड करने के लिए चाहिए रो का हमें पता है वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर थ्री अपॉन टू और नीचे हमारे पास आ जाएगा डी का स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर अब इसमें मैं ये वैल्यूज लगा लेता हूँ डी वाई और डी एक्स की वैल्यू तो हमारे पास ये है वन प्लस डी वाई और डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है माइनस टू ए का क्यूब इस एक्स के क्यूब के जब मैं नीचे ला जाऊंगा तो इसकी पावर जो है वो प्लस बन जाएगी फाइव का स्क्वायर रूट एक्स का क्यूब का पावर जो है टू होल की पावर थ्री अपॉन टू डिवाइडेड बाई D का स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर उसकी वैल्यू हमारे पास ये है अभी इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं ये हमारे पास रो की वैल्यू अब हम क्या करते हैं इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं पुट इन वन पुट इन वन पुट इन वन जब वन में हम पुट करेंगे हमारे पास एक्सरेशन क्या आ जाएगा एक्सरेशन इज इक्वल टू v का स्क्वायर रो ओवर रो अच्छा ये हमारे पास क्या है रो है वन ओवर रो क्या आ जाएगा इसको हम उल्टाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा तीस ए क्यूब एक्स की फाइव और साथ में v का स्क्वायर भी आ रहा है v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास ये आ जाएगा फाइव एक्स की सिक्स प्लस फोर ए की सिक्स डिवाइडेड बाई होल की पावर थ्री ओर टू ये हमारे पास क्या आ रहा है एक्सेलरेशन इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो इसको सोल्व करने के लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ आते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट उसमें हम क्या करेंगे डी ए और डी टी की वैल्यू निकालेंगे इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे फिर तो जो भी हमारे पास आ जाए आ, फिर हम क्या करेंगे इसको ज़ीरो की इक्वल पुट करेंगे इसको जब ज़ीरो की इक्वल पुट करेंगे हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी उसको जब हम फिर सेकेंड डेरिवेटिव हम इसकी लेंगे सेकेंड डेरिवेटिव इसकी ले के उस पॉइंट की हम उसमें वैल्यू लगा देंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगी अगर इस पे ये प्लस आ रहा है तो मैक्सिमम है मिनिमम है अगर माइनस आ रहा है तो उस पर वो मैक्सिमम वाली वैल्यू होगी जब हम इसको डिफ्रेंशियट कर देंगे तो आप ख़ुद इसको जो है वो फिर डिफ्रेंशियट कर <coughs> चेक कर दें तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी अब हम क्या करेंगे इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे पुट डी ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो तो इसका मकसद ये हुआ कि माइनस फाइव एक्स की फ़ोर और ये फाइव एक्स की सिक्स फोर ए की सिक्स की पावर माइनस फाइव ओवर टू फोर एक्स की सिक्स माइनस फोर ए की सिक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो अब ये टर्म जो है इसको हम उधर ले जाके ख़त्म कर दें क्योंकि इसके दरमियान प्लस है इसको जब हम उधर ले जाएंगे फिर ये कम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा लिहाजा हम इसको ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक ये और एक ये इन दो को हम ज़ीरो की इक्वल लिखेंगे एक्स की पावर फोर माइनस फाइव एक्स की पावर फोर इज़ टू ज़ीरो या फोर एक्स की सिक्स फोर ए की सिक्स इक्वल टू ज़ीरो अब यहाँ से हम एक्स की एक्स इज टू ज़ीरो निकालेंगे फाइव को उधर ले जाएंगे ख़त्म हो जाएगा फिर वन अपान फोर पावर लेंगे वो ज़ीरो की आप जो भी पावर लेते हैं वो अगेन ज़ीरो ही आता है फोर एक्स की सिक्स इज इक्वल टू इसको उधर ले जाएंगे फोर ए की सिक्स ये कैंसल होगा एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा ए आ जाएगा यानी एक्स की ये दो वैल्यूज़ है एक ज़ीरो है और दूसरी हमारे पास क्या है एक्स है अब हाँ हम क्या करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव्स की लेते हैं मैं यहाँ पे जस्ट सिंपलीफाई करके लिख लेता हूँ आप जो है इसको खुद फिर सिंपलीफाई करके निकालें अब जब हम इसकी सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास ये आ जाएगी आप ख़ुद इसको फिर चेक करके देख लें अब अगर एक्स को मैं ज़ीरो कर दूँ तो यहाँ पे x चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है ये ज़ीरो आ जाएगा इधर भी x मल्टीप्लाई हो रहा है x की जगह पे हम जीरो पुट कर रहे हैं तो ये भी जीरो आएगा इधर भी x मल्टीप्लाई हो, हो रहा है तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा ज़ीरो अगर x जीरो हो तो d का स्क्वायर a और डी टी का स्क्वायर a भी हमारे पास ज़ीरो आएगा तो लिहाजा नो इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया हम क्या करेंगे एक्स को ए पुट कर देंगे एक्स को जब ए पुट करेंगे तो d का स्क्वायर a और डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए जब पुट करेंगे हमारे पास ये वाला फैक्टर रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा फोर ए की पावर सिक्स माइनस फोर ए की पावर सिक्स ख़त्म हो जाएगा ज़ीरो आएगा यहाँ पे भी ज़ीरो आएगा तो ये सारा फैक्टर जो है ये एक्स है ये सारा फैक्टर हमारे पास ज़ीरो होगा ये भी ज़ीरो होगा जस्ट ये रह जाएगा माइनस फाइव यहाँ पर अगर मैं ए लगा दूँ तो ये ए की पावर छः फोर और फाइव नाइन ए की पावर सिक्स आ जाए और ये आ जाएगा ए की पावर फोर ए की पावर फाइव ए की पावर नाइन बन जाएगा ट्वेंटी फोर ए की पावर नाइन तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है ये माइनस फाइव इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस सब फैक्टर को क्या कर रहा है माइनस कर रहा है तो इसका मकसद ये है कि डी ओवर डी टी का डी का स्क्वायर एवर डी टी का स्क्वायर इज लेस देन जीरो एट एक्स इज इक्वल टू ए तो लिहाजा इस पे जो एक्सेलरेशन हमारे पास बनेगा एट एक्स इक्वल टू ए वो हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा तो हम क्या करते हैं पुट 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 इन 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 इक्वेशन इक्वेशन में इसको कर हैं जब हम इसमें पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू थर्टी ए का क्यूब एक्स uh, की जगह पे तो हम क्या पुट कर रहे हैं ए पुट कर रहे a की पावर फाइव डिवाइडेड बाय वहाँ पे भी हम पुट करेंगे फाइव ए की पावर सिक्स और ये आ जाएगा फोर ए uh, की पावर सिक्स होल इज डिवाइडेड होल की पावर थ्री और टू अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं जब सिंप्लीफाई करेंगे एक्सलरेशन इज इक्वल टू थर्टी ए की पावर एट आ जाएगा और ये वी का स्क्वायर भी साथ में आ रहा है वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दो को जब मैं आपस में एड कर दूंगा तो ये आ जाएगा नाइन ए की पावर सिक्स होल की पावर थ्री ओवर टू पहले हम ये वन ओवर टू इस पर अप्लाई कर देते हैं अच्छा ये नाइन की जगह पे मैं थ्री का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसकी जगह पे मैं ए का स्क्वायर की पावर क्यूब अब ये बल्कि इस तरह कर देता हूँ ए का क्यूब की पावर टू अब ये वन ओवर टू में अप्लाई कर देता हूँ ये टू इस टू के साथ और इस टू के साथ कैंसल तो हमारे पास थर्टी ए की पावर एट वी का स्क्वायर नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री की पावर थ्री और ये हमारे पास क्या आ रहा है ए uh, की पावर थ्री है और एक थ्री और आ रहा है तो ए की पावर नाइन बन जाए ए की पावर नाइन ये ए की पावर एट और ए की पावर नाइन आपस में कैंसल एक ए नीचे रह जाएगा और ये थ्री की पावर थ्री है ये ट्वेंटी सेवन बन जाएगा अब ये थ्री का स्क्वायर और थ्री मैं लिख सकता हूँ एक थ्री इसके साथ कैंसल टेन आ जाएगा टेन थ्री इजा थर्टी तो ये आ जाएगा टेन वी का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर हमारे पास नाइन और एक ए भी रह जाएगा तो ये हमारे पास एक्सलरेशन जो कि मैक्सिमम है एट एक्स इक्वल टू ए उसके बाद क्वेश्चन द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट जो कि डिस्क्राइब द एलिप्स जो कि इस एलिप्स को डिस्क्राइब कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड वी व्हेन द पार्टिकल इज एट दिस अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे हो स्पीड uh, हमारे पास यूनिफॉर्म है और हमने क्या करना है टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करने है. किस पॉइंट पे उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो स्पीड यूनिफॉर्म हो अच्छा ये इक्वेशन एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर वाई का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वन इन दोनों में मैं ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकाल देता हूँ एल सी एम निकाल देता हूँ ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर बी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू वन अब इसको मैं उधर ले जाता हूँ x का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर a का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको मैं वन का नाम देता हूँ उसके बाद जो है स्पीड यूनिफॉर्म है यानी से दैट c है अब अगर हम इसकी डेरिवेटिव लें तो ये ज़ीरो बन जाएगा एक्सेलरेशन का हमें पता है डी वी अपॉन डी टी विध ट्रंजर्शन कंपोनेंट और वी का स्क्वायर ओवर रो ये हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट इसका आ रहा है अब ये कंपोनेंट ख़त्म हो जाएगा एक्सीलरेशन हमारे पास v का स्क्वायर ओवर रो n आ जाएगा अब हम क्या करते हैं इस रो की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं रो की वैल्यू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा टू एक्स बी का स्क्वायर प्लस टू डी वाई ओवर डी एक्स विध ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ये ज़ीरो आ जाएगा अब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स बी का स्क्वायर ओवर टू वाई ए का स्क्वायर टू टू के साथ कैंसल डी वाई ओवर डी एक्स एट ज़ीरो वा भी हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो वा भी ये एक्स की जगह पे ज़ीरो फुट कर देंगे जीरो का स्क्वा जीरो बी का स्क्वायर और ये, ये वाई की जगह पे बी ए का स्क्वायर ये हमारे पास जीरो आ जाए उसके बाद हम इसकी अगेन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर स्क्वास अपान वाई विद माइनस साइन इसकी जब हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे डी का स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर इनमें ये वाई का स्क्वायर इस पर कौन सा रूल लगेगा क्वेश्चन ट्रूट वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन माइनस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज डी वाई और डी एक्स अब हम क्या करेंगे इसमें डी वाई और डी एक्स की वैल्यू हम लगा लेते हैं वो ये है हमने यहाँ पे मालूम की ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वाई माइनस 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 इज प्लस बी का स्क्वायर ए का स्क्वा और साथ में क्या आ जाएगा एक्स वाई एक एक्स ये है ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और वाई आ जाएगा हाँ नीचे हमारे पास वाई का स्क्वायर अब हम क्या करते हैं इसमें ये वाई का स्क्वायर एक स्क्वायर वाई जो है ये हम इसमें एलसीएम ले, ले लेते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा डी का स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक स्क्वायर वाई इसमें अगर हम एलसीएम लें ये एक स्क्वायर इधर आ जाएगा एक स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा वाई का स्क्वायर अच्छा ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है ये इक्वल है हमारे पास एक स्क्वायर बी का स्क्वायर की इकौल. तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगा लेते हैं एक स्क्वायर बी का स्क्वायर नीचे एक स्क्वायर वाई अच्छा ये y इसके साथ मल्टीप्लाई होके y का क्यूब बन जाएगा ये आपस में कैंसल अब d का स्क्वायर y और डी एक्स का स्क्वायर एट ज़ीरो वा बी ये आ जाएगा b का स्क्वायर और y की जगह पे अगर हम b लगा दें तो ये b का क्यू वन अपान बी बन जाएगा अच्छा ये माइनस बी अपान ए का स्क्वायर अपान ए का स्क्वायर ये हमने मिस किया था यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा था ये मैंने लिख लिया अब ये इसको हम सिम्प्लीफाई कर लेते हैं जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे ये आ जाएगा बी की पावर फोर और ये बी का क्यूब है एक बी जो है वो ऊपर रह जाएगा नीचे हमारे पास ए का स्क्वायर आएगा रो का हमें पता है वन प्लस डी वाई और डी एक्स का होल स्क्वायर होल की पावर थ्री अपॉन टू डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर वाई और डी एक्स का स्क्वायर अब ये हमारे पास चूंकि ज़ीरो आ रहा है तो वन की जो भी आप पावर दें वो वन ही आता है नीचे हमारे पास आ जाएगा बी और ए का स्क्वायर यानी वन ओवर रो जो है बल्कि इसको पहले मैं ऊपर ले जाता हूँ माइनस ए का है, वो माइनस बी ओवर ए का जाएगा अब हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में फुट कर लेते हैं इसको मैं इक्वेशन टू कहता हूँ फुट इन टू जब इसमें मैं फुट करूँगा हमारे पास एक्सलेशन जो है इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है बल्कि मैं ए एन लिख लेता हूँ ए एन इज इक्वल टू वी का स्क्वायर रो की हम वैल्यू लगा वन अपान रो की हम वैल्यू लगा लेते हैं बी अपान ए का स्क्वायर और ए टी जो है वो हमारे पास ज़ीरो आ जाए थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आपनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर कोई मसला हो इस लेक्चर में वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें यहाँ माइनस आता है वो